जम्मू के नई बस्ती एरिया में दुकानदारों द्वारा फिर से किया गया प्रदर्शन। आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सिमी बडियाल। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि इस समय हम जम्मू के नई बस्ती एरिया में खड़े हैं, जहां फिर से जैसे कि कल दुकानदारों ने प्रदर्शन किया था, आज वो फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध, क्योंकि उन्हें एक रातों रात एक नोटिस जारी करके कहा गया कि अपनी दुकानों को खाली कर दें। इसीलिए जो दुकानदार हैं उन्होंने सरकार के विरुद्ध फिर से प्रदर्शन किया है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका जो ये मामला है वो कहाँ तक पहुँचा। इस समय हमारे साथ पीडीपी स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी है, तो जिनसे हम जानते हैं कि कल भी यहाँ पे दुकानदारों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, आज फिर से यहाँ पर जो दुकानदार है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है? देखिए, ये आज का प्रोटेस्ट नहीं, बड़ी देर से प्रोटेस्ट है, आज हम भी यहाँ आए हैं। इनकी एक जेन्युइन डिमांड है। मैं एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं हमें ये बता दीजिए। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर कोई कायदा कानून है, इनको कोई पूछने वाला है, या यही इसका अफसर आपने बात कर दिया कि जम्मू कश्मीर को वो चलाएगा? अगर आप इनकी दुकानें छीनना चाहते हो, इसके बदले में इनके रोजगार की क्या गारंटी सरकार दे रही है? ये मांग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दुकान के बदले दुकान दे दीजिए, तो दीजिए इनको दुकान। अगर आप ये दुकान तोड़ के हाईवे बनाना चाहते हो, उसके ऊपर टोल लगा के सरकार पैसा कमाना चाहती है, तो इनका घर उजाड़ कर नजर चलाया जाएगा। इनको दुकान के बदले दुकान दीजिए। अगर ये दुकान के बदले दुकान नहीं देते हैं तो मैं समझता हूँ बेइंसाफी। और सबसे बड़ी बात, आज मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके एमएलए बनाया था, आज वो कुछ बिल में छुप के बैठे हैं? ये कुछ सियासत नहीं है? आज अपोजिशन पार्टी यहाँ आई है, हम लोग सब इनके साथ हैं, वोट मांगने नहीं आए। हक की बात है, इनका रोजगार है। मुझे बताइए इनके बीवी बच्चों का क्या कसूर है? अगर किसी का बच्चा है वो कहाँ से बच्चे को पालेगा, वो कहाँ से अपना परिवार चलाएगा? अगर उनकी दुकान चाहते, मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ आप बनाइए, अगर आप डिमोलिश भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको दुकान के बदले दुकान दी जानी चाहिए, जो इनका हक है। ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम इसकी इस डिमांड के साथ, हम पूरी तरह हमारी पार्टी इनके साथ। हमारी किसी पार्टी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, हमारी दोस्ती जो है ना हमारे रोजगार से है, हमारे काम से है। सारी पार्टियां जैसी है, हम राजनीति लोग नहीं है, हम दुकानदार है। हम गवर्नमेंट से यही गुहार कर रहे हैं कि हमें बसाया जाए, पार्टी की नीति क्या है उस पर चला जाए। हमने कोई लड़ाई नहीं है, ना किसी को गोदी मीडिया कहने वाले हैं, ना किसी को चोर कहेंगे, ना कुछ कहेंगे, क्योंकि हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है, यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। तो रिक्वेस्ट जो है हाथ जोड़ के की जाती है, गालियां देके नहीं। हमारा किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को गालियां देने का मकसद नहीं है। दुकानों के बदले दुकानें दी जाए, तोड़ने से पहले हमें कहीं बसाया जाए, हमारा घर परिवार भी चलता रहेगा, हमारा सारा, हम दुकानों में लड़के रखे हैं, उनका घर परिवार चलता है, सारा सिस्टम चलता है। अगर हमारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई रोड से वो नहीं है कि रोड नहीं खुला हो, हम चाहते हैं रोड खुला हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हमें बसाया तो जाए कहीं। मैं सरकार की साफ शब्द निगल रखना, दुकान का बदला दुकान चाहिए इन्हें लोगों की। क्या तुंदे को 10-11 मरले वो जमीन नहीं है जम्मू शहर के इन्हें लोगों की दुकानें देने वास्ते? 100-100 कनाल लोग तुम बाहर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों की आ जाओ, लेकिन साढ़े जम्मू के डोगरे की 10 मरले दुकान देने की जगह नहीं है सरकार को, क्या उम्मीदा कर सकते हैं? मैं फिर इन्नी गल आखना चाहना, कोई भी कारपोरेटर हो, कोई भी MLA हो, कोई भी MP XO है, सारे लोग इंदे कन्नै बेहियै राजनीति को उपर उठिए इंदा साथ देना चाहिए, अपनी लीडरी चमकानी चाहिए, क्योंकि इन्हें लोगों की दुकानें की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है। असें इतने कोई लीडरी नहीं चमकानी, लेकिन अस इन गल जरूर आखने, युवा राजपूत सभा के नाते अस इंदे कन्नै खड़ोई दें। तो आर पार की गल होनी है, दुकाना दो तो दुकाना तोड़ो, नहीं तो प्यो तो पुत्रो दुकाने बके तो आन नहीं देना। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, 3-2 बार पहले भी यहाँ से रोड वाइडिंग हो चुकी है और अब तीसरी बार होने जा रही है। पर ऐसा क्या है कि अगर 2 बार पहले अगर जो पुरानी गवर्नमेंट थी अगर उन्होंने लोगों को बसाया, आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा कि एक दिन में आप नोटिस निकालोगे और आनन फानन में कहोगे कि दुकानें आप यहाँ से ये खाली कर दो? हमें सिर्फ आपसे यही मांग है कि दुकान के बदले हमें दुकान दी जाए, क्योंकि रोज़गार चाहिए, हमारा रोज़गार मशीनों। आप जितने हमें पैसे दे रहे हो, हम 6 महीने में इतना टैक्स आपको जमा करवा देते हैं। हमसे तो म्यांमार से आए रोहिंग्या चाचे हैं जिनको आप राशन डाल के दे रहे हो, हम जम्मू के डोगरे लोग थे और हमें ही दबाया जा रहा है। आपके माध्यम से यही अपील है साहब, इन्हें आश्वासन दिया गया है कि तुम्हारी दुकानें कुछ नहीं लगा, आज इलेक्शन जितने का बाद इन्हें लोगों ने वोट दिए, इलेक्शन जीते ना, आज जितने के बाद MP साहब कहली मुंसिपैलिटी बैठे, जिंदे लोगों के बैठना चाहना, इन्हें लोगों ने आश्वासन किया इतने बैठना चाहिए, इन्हें लोगों की आवाज़ बड़ी खड़ोना चाहिए।
मकान के बदले दुकान दें, हम खाली करने में या हम फ्लाईओवर के खिलाफ थोड़ा ना कोई, हम चाहते हैं फ्लाईओवर बने, लेकिन हमें दुकान के बदले दुकान दें, हम खुद पे खुद खाली करके चले जाएंगे और हमें कोई इतराज नहीं है। जैसे हमें कोई मिलेगी, कैसे जगह आइडेंटिफाई करेंगे, हम खुद बना लेंगे, हम खुद चले जाएंगे जहाँ से। मैडम, हम चाहते हैं कि जो दुकानदार इधर बैठे हुए हैं उनकी बात सुनी जाए, इस जगह को अखाड़ा मत बनाया जाए कि हमारी बात बाद में बिगड़ जाए। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दुकानदार मेन बैठे हुए हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं जो भी हम बंदा हमारी दुकानें बचाएगा हमारे लिए मिसी है, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है LG साहब से कि हमारे दुकानें के बदले दुकानें दी जाए, हमें गुहार सुनी जाए। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जम्मू के जो नई बस्ती एरिया है वहां पर दुकानदारों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के विरुद्ध, कि उन्हें एक नोटिस मिला है कि अपनी दुकानों को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। उसी के विरोध में जो दुकानदार है उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि उन्हें दुकान के बदले दुकान दी जाए। उन दुकानदारों के समर्थन में आज PDP के सदस्य और युवा राजपूत के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर आए हैं दुकानदारों के समर्थन में, और उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि जो दुकानदार है उन्हें दुकान के बदले दुकान दी जाए। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK News Today। कैमरामैन सोमदत्त के साथ मैं सिमी बडियाल।